गुड आफ्टरनून क्लास, बैठो। हाँ तो सब लोग कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे आप ही की पाठ्यपुस्तिका का दूसरा पाठ, जिसका नाम था राजधर्म। ठीक है, राजधर्म के बारे में थोड़ा किसी को कुछ याद है? हाँ, रोशनी खड़े हो बेटा, बताओ। हाँ, राजधर्म किसकी कथा है, किसकी कहानी है? ब्रह्मदत्त और बोधिसत्व। हाँ, तुम बताओ, सुमन खड़े होके बताओ बेटा। हाँ ठीक है, राज बोधिसत्व और ब्रह्मदत्त। ठीक है, बोधिसत्व कौन थे? महात्मा बुद्ध के एक रूप, उनके ही एक रूप। और राजा ब्रह्मदत्त एक राजा थे जो कैसे राज्य करते थे? बहुत ही धर्मप्रिय और न्याय परायण शासक थे वो। ठीक है, बैठो। उसके बाद सबको पता है इस कहानी में क्या हुआ। आज उसके अंतिम चरण में है हम, यानी इस कहानी के समाप्ति पर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उसी कहानी के आगे। ठीक है, तो राजा जो ब्रह्मदत्त था वो हमेशा यही सोचता था कि उसकी कोई कमी बताने वाला है भी या नहीं। तो इसीलिए उसने कहाँ पे वेश बदल कर घूमना शुरू किया? कहाँ पर बताओ शालू? नगर नगर, गांव गांव और शहर शहर, अपने ही राज्य के। बैठो। और उसने घूमना शुरू किया कि मेरी कोई कमी बताने वाला है भी या नहीं। उसके बाद उसकी कमी बताने वाला जब कोई नहीं निकला, तो उन्होंने यही सोचा कि मैं हिमालय पर्वत हिमाचल की तरफ बढ़ता हूँ और वहाँ पर भी देखता हूँ कि शायद कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी थोड़ी सी भी कमी बता सके। और यही सोचते हुए वो दुर्गम स्थान को पार करते हुए, दुर्गम रास्ते को पार करते हुए पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? बोधिसत्व के पास, जो कि क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करने के बाद जब बोधिसत्व उठे, तो राजा ब्रह्मदत्त जो वेश बदल कर गए थे, उन्होंने बोधिसत्व से कहा, प्रणाम किया। जैसे जनरली मिलते हो ना, जब मिलते हो तो कैसे करते हो? हाँ हाँ, जोड़ के प्रणाम करते हो। वैसे उन्होंने आपस में एक दूसरे को हालचाल पूछा। उसके बाद बोधिसत्व ने उन्हें कहा कि आप यहाँ पर बैठिए, है ना। वो बैठे और थोड़ी देर बाद उन्होंने उन्हें गोदे, गोदे किसे कहा गया था हमने बताया था कल? बरगद का फल। तो बरगद का फल बोधिसत्व ने ब्रह्मदत्त को दिया और कहा तुम इसे खाओ और पानी पियो। और वो खाने के बाद ब्रह्मदत्त ने कहा, क्या कहा? कि गोदे कैसे हैं? बहुत मीठे हैं, मधुर हैं। ये ऐसे भंते, भंते शब्द किस कैसा शब्द है? भंते बौद्ध धर्म में एक सम्मान सूचक शब्द होता है। भंते, जब किसी को बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ हम कि संबोधित करते हैं, बुलाते हैं, तो भंते शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म में किया जाता है। तो भंते शब्द बोलते हुए उन्हें कहा, भंते ये गोदे तो बहुत मीठे हैं, ये कैसे इतने मीठे हैं? ये कैसे इतने सरस, इतने मीठे कैसे हैं? तो उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात क्या हुआ होगा? सुना था इसके बाद की तो कथा सुनी है ना सबने? कहाँ है सब बच्चे? उसके बाद क्या हुआ रोशनी? जब उन्होंने गोदे खाए तो कैसा लगा उन्हें? बहुत मीठे लगे। और मीठे लगने के बाद उन्होंने पूछा कि ये गोदे इतने मीठे क्यों हैं? तो उसका कारण क्या बताया? उसका कारण बोधिसत्व ने बताया कि हमारे राज्य का जो शासक है वो कैसा है? नहीं, हाँ, वो धर्मप्रिय है, न्यायपरायण है और बहुत अच्छे शासक हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का मधु, हमारे यहाँ के फूल, हमारे यहाँ का जो माहौल है वो सभी बहुत अच्छा, मधुर और मीठा है। तो ये बात इसी कथन की पुष्टि के लिए ब्रह्मदत्त को बोधिसत्व की इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि किसी राज्य का राजा अगर अच्छा हो तो वहाँ के फल फूल ये सब कैसे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। तो इसी कथन की पुष्टि के लिए उन्होंने वापस गए राज्य में और उन्होंने कैसे राज्य करना शुरू किया बेटा? अन्याय और अधर्म से। पहले वो कैसे करते थे? हाँ, न्याय के साथ करते थे। उसके बाद उन्होंने अन्याय और अधर्म से क्या करना शुरू किया? अन्याय और अधर्म से शासन करना शुरू किया। और कुछ समय बाद वैसे ही वो राज्य करते रहे। और कुछ समय बाद जब वो दोबारा कहाँ पहुँचे?
बोधिसत्व के पास पहुंचे और बोधिसत्व के पास जाके फिर वैसे ही बैठ गए, है ना। और उसके बाद उन्होंने बोधिसत्व ने फिर उन्हें वही गोदे खाने को दिए। तो गोदे खाने के बाद उन्होंने बहुत कड़वे हो गए। वो गोदे कड़वे होने का क्या कारण था? खड़े होके बताओ सुमन। हाँ, तो राजा ने धर्म को छोड़कर कैसे शासन करना शुरू कर दिया? अधर्म के साथ। और न्याय की जगह वो किस में परिवर्तित हो गया? अन्याय में। और इसी कारण वहां के जितनी भी चीजें थी वो कैसी हो गई? बिल्कुल कड़वी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? सुनोगे, सुनना चाहोगे? ठीक है, चलो हम लोग सुनते हैं इसके बाद की कहानी। जब राजा बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गया, बहुत उसका मन कैसा हो गया, विचलित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं अन्याय के साथ शासन कर रहा हूँ तो गोदे मीठे हैं, और अगर मैं अन्याय के साथ कर रहा हूँ तो कैसे हो गए गोदे? कड़वे। तो इन सब को सोचकर, इन सभी बातों को सोचकर उसका मन कैसा हो गया? बहुत विचलित। विचलित शब्द सुना है कभी? विचलित, विचलित या अशांत। अशांत बोल सकते हो, हाँ, या परेशान बोल सकते हो, है ना। तो बहुत ज्यादा अशांत हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद उसकी इस व्यथा को, व्यथा मतलब क्या? व्यथा मतलब परेशानी, व्यथा, व्यथा मतलब परेशानी। और इस परेशानी को दूर करने के लिए बोधिसत्व ने सबसे सही उपाय निकाला। उसने राजा को बहुत सीधी सी बात समझाई। क्या बात थी वो? वो बात ये थी, उन्होंने बोला, जैसे जब एक गायों का समूह जब नदी को पार करता है, जब देखा है कभी, देखा है कि जैसे चींटियां चलती हैं, चींटी की, एक चींटी के पीछे सारी चींटियां लाइन से चलती हैं, वैसे ही जब अगर गायों का कोई समूह किसी नदी को पार करता है तो उसके सबसे आगे उसमें कौन होता है? हाँ, उसका सदस्यों का सबसे बड़ा नेता कौन होता है? बैल। तो वो बैल के पीछे पीछे चलती है, है ना। तो जैसे जैसे वो बैल के पीछे पीछे चलती है, बैल आगे आगे चलता है, उसी दिशा में सारी गायें चलती हैं। लेकिन अगर बैल ही अपने रास्ते से, अपने सही मार्ग से विमुख हो गया या कहीं और चलने लगा, ये टेढ़े चलने लगा या उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में जाने लगा, तो क्या गाय क्या करेंगी? उसी का पीछा करेंगी कि अपने आप कहीं और चलना शुरू करेंगी? हाँ। तो उसके बाद उन्होंने यही समझाया कि जैसे गायों का समूह होता है और उसका सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा नेता कौन हुआ? बैल। बैल अगर एक गलत या विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है तो उस समय पे क्या होगा? सभी गायें गलत दिशा में चलने लगेंगी। और इसीलिए यही कारण है कि उसी प्रकार राजा यदि अधर्म और अन्याय के साथ शासन करेगा तो क्या होगा? क्या होगा प्रजा का? प्रजा भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह प्रताड़ित होगी, है ना। प्रजा भी दुखी होगी। अगर राजा दुख देगा प्रजा को तो क्या होगा? प्रजा भी दुखी रहेगी। और क्या होगा प्रजा के साथ साथ? बदला लेगी या उनमें किसी ना किसी तरह से मन जो है उनका असंतुलित होगा, है ना। मन उनका कैसा होगा कि हमारा राजा तो हमें क्या करता है, हाँ, हमें परेशान करता है, या हमारे लिए उस न्याय प्रिय नहीं है, धर्म प्रिय नहीं है। तो हम उस अवस्था में क्या होगा, पूरी जितनी भी हमारी जो राज्य की जनता है वो कैसी हो जाएगी? कड़वी नहीं, कैसी? असुरक्षित तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? हाँ, अव्यवस्थित हो जाएगी ना। सब कुछ कैसा हो जाएगा? अव्यवस्थित हो जाएगा। क्यों अव्यवस्थित हो जाएगा? जब राजा तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी, राजा हमारा ध्यान नहीं रख पाएगा तो कैसा होगा? सब चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। तो उसी प्रकार उसने समझाया कि जिस तरह से राजा अगर अपनी प्रजा के साथ अन्याय और अधर्म से शासन करेगा तो उसी प्रकार हमारी जितनी भी प्रजा है वो भी कैसी हो जाएगी? अव्यवस्थित और सुख से दूर हो जाएगी, है ना। और वहां पर कैसा होगा? हमेशा दुख, दुख, परेशानी और
अव्यवस्था और असुरक्षा। सबको समझ में आया? तो राजा की इस जिज्ञासा को और अधिक उन्होंने इस प्रकार शांत किया कि राजा को हमेशा कैसा रहना चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए उसे, और न्यायपूर्वक और विवेकशील, और कैसा होना चाहिए बेटा, और अगर प्रजा जो है, राजा जो है, अगर गलत मार्ग पर चलता है तो प्रजा भी कुमार्ग पर चलने लगती है, प्रजा भी उस तरह के काम करती है। तो कहीं ना कहीं जब पूरी अव्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ जितना भी है वो असंचालित ढंग से चलेगा, सही से नहीं चलेगा, तो उस राज्य में अपने आप सारी अव्यवस्था के होते हुए गोदे कैसे हो जाएंगे, गोदे कड़वे हो जाएंगे, गोदे कड़वे हो जाएंगे, और कैसे हो जाएंगे, जिसमें कोई रस नहीं होगा, नीरस हो जाएंगे, है ना, समझ में आ गया सबको। और जैसे ही उन्होंने ये सुना, किसने, हाँ ब्रह्मदत्त ने, क्या सुना, कौन बताएगा, रितिका बताओ, ब्रह्मदत्त ने, ब्रह्मदत्त को क्या बताया बोधिसत्व ने, बताओ बेटा, पूरी, हाँ हाँ। और वैसे हमारा राजा कैसा होना चाहिए, धार्मिक, न्याय प्रिय होना चाहिए। अच्छा, मनुष्यों में बैठो, मनुष्यों में जो भी श्रेष्ठ होता है हम उसी को नेता बनाते हैं ना, जो हमारे हमारे सभी चीज़ों को संतुलित रख सके, हमारी हमारी सब व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कर सके, उसी को हम नेता मानते हैं, उसी को हम नेता बनाते हैं ना। तो इसीलिए राजा का ये परम कर्तव्य है कि उसे धर्मप्रिय, न्यायपरायण और ऐसा शासक होना चाहिए जो अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से रख सके, उसका ध्यान रख सके। और इन्हीं सब चीज़ों को सोचकर बोधिसत्व ने, जब उन्हें राजा ब्रह्मदत्त को ये बात समझाई, तो राजा ब्रह्मदत्त को अंदर से एहसास हुआ कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसके बाद उन्होंने बोधिसत्व को ये बताया कि मैं ही कौन हूँ, मैं ही राजा हूँ, और मैंने क्या किया, वेश बदल कर मैंने ही यहाँ पर आके आपसे पूछा, गोदे पहले कैसे थे, मीठे, वो मीठे क्यों थे, क्योंकि मैं धर्मप्रिय था, न्यायपरायण था, और गोदे कड़वे किसने किए, गोदे कड़वे किसने किए, राजा ने ही कड़वे किए, क्यों किए, अधर्म, हाँ क्यों किया ऐसा उसने, वो किसके कथन की पुष्टि करना चाहता था, बोधिसत्व के कथन की पुष्टि के लिए उसने अधर्म से और अन्याय से शासन करना शुरू किया, जिसकी वजह से गोदे कैसे हो गए, कड़वे। और उसने यह निर्णय लिया कि अब मैं अप्रण करता हूँ, मैं ये संकल्प लेता हूँ, ये एक शब्द है बेटा, संकल्प। संकल्प का अर्थ क्या होता है, कुछ ऐसा करना या निश्चय करना कि जो मैं पूरा करके रहूंगा। तो उसने ये संकल्प लिया, यानी दृढ़ निश्चय किया, दृढ़ निश्चय, उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब वापस इन गोदों को कैसा बनाऊंगा, मीठा। और यही इस कथा का, इस कहानी का अंत है। और उसके बाद उन्होंने, ब्रह्मदत्त ने वापस अपनी नगर में, अपने राज्य में पहुंच के बहुत अच्छे से राज्य करना शुरू किया, और न्याय के साथ में शासन करना शुरू किया, धर्म के साथ में। और वैसे कैसा माहौल हो गया, फिर से वैसा ही, कैसा माहौल हो गया, सुख और धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया राज। ठीक है, समझ में आ गई कहानी, सबको समझ में आई, ठीक है बेटा। अब हम इसी में, इसी के से जुड़े हुए कुछ शब्दों का वाक्य प्रयोग करेंगे। पहला शब्द है, कौन आएगा श्यामपट पर, अधर्म, कुप्रथा, नेता, न्यायपूर्वक, हाँ जी, कौन आएगा, अधर्म, हाँ आओ,
और अश्नि शाबाश, अधर्म के बारे में, अधर्म से क्या अर्थ है आओ लिखो, अधर्म का वाक्य प्रयोग बनाना है आपको, ठीक है लिखिए, कुछ भी वाक्य प्रयोग बनाओ, ये शब्द जो है वो वाक्य में आना चाहिए, अधर्म, अर्थ नहीं लिखना है बेटा, सिर्फ वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है, सिर्फ वाक्य प्रयोग करो। इसके बाद कौन आ रहा है? हाँ शाबाश सुमन, किसी को अधर्म से बात नहीं करनी चाहिए या अधर्म से नहीं चाहिए। हाँ अधर्म से न्याय नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये भी हो सकता है, इसको भी हम सही रहेंगे, सही रखेंगे, किसी को अधर्म से बात नहीं करनी चाहिए। अधर्म का अर्थ क्या हुआ? गलत तरीका, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कुप्रथा कौन करेगा? हाँ आओ सुमन आओ, नेता, नेता पर कौन करेगा? हाँ इसके बाद आ, तुम्हारी बारी बेटा। पहले हमारे देश में दहेज सबसे बड़ी कुप्रथा थी, अच्छा है ना, अच्छा शब्द है, बहुत बढ़िया लिखा है वाक्य तुमने सुमन। आगे लिखते हैं नेता, न्यायपूर्वक के लिए कौन आएगा? न्यायपूर्वक, हमें कैसे राज्य करना चाहिए? हाँ एक अच्छे राजा को न्यायपूर्वक राज्य करना चाहिए। हमें नेता उसे बनाना चाहिए बहुत बढ़िया, गुण संपन्न, हाँ लिखो लिखो, हमें नेता उसे बनाना चाहिए जिसके अंदर सारे गुण संपन्न हो। बेटा यहां पर थोड़ा सा इसको हम चेंज बदलेंगे, जिसके अंदर सारे गुण हो, ठीक है, या जिस जो सर्व गुण संपन्न हो या गुण संपन्न हो, ठीक है, तो हम यहां पर सारे गुण के बाद संपन्न हटा रहे हैं, ठीक है, तो हमें नेता उसे बनाना चाहिए जिसके अंदर सारे गुण हो, बहुत बढ़िया। न्यायपूर्वक कौन आ रहा है? आओ शालू, न्यायपूर्वक हमें कैसे राज्य करना चाहिए? आओ फटाफट, हाँ आओ सुमन आओ, तुम लिखो, चलो हर राजा को न्यायपूर्वक, न्यायपूर्ण लिखा है तुमने सुमन, न्यायपूर्वक राज्य करना चाहिए, बहुत बढ़िया शाबाश। तो सबको समझ में आया? तो बेटा इस पाठ से हमने क्या सीखा? राजधर्म मतलब राजा का धर्म, राजा का सही धर्म क्या होता है?
जैसे घर में हमारे पिताजी होते हैं ना, हमारे पिताजी, हमारी माँ, उनका कर्तव्य क्या है? हमारे परिवार को, हमारे पूरे परिवार को मिलाकर रखना, एक ऐसे धागे में पिरो कर रखना जिसमें सभी सुखी हों, सुव्यवस्थित हों, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, है ना। तो उसी प्रकार राजधर्म जो कथा या कहानी हमने पढ़ी उसमें भी यही आपको संदेश दिया जा रहा है कि राजा का धर्म क्या होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हर इंसान राजा हो, उसे अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, सही तरीके से, न्याय के साथ में, प्रेम के साथ में, और कैसे, धर्म के साथ में। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। आज का गृह कार्य आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखें, कुछ नए शब्द दो तीन और दे रही हूं जिसका आपको वाक्य प्रयोग बनाना है। जिसमें कि सुख, नेता, नेता हो चुका, हाँ, तो सूक्ष्म, दुर्गम, ये सभी शब्दावली हमने इसी में देखी है, इसी में ये शब्द सुने। एक है विनय पूर्वक, मतलब प्रेम से, विनय पूर्वक। ठीक है, इन सभी शब्दों के आपको क्या बना कर लाने हैं, वाक्य प्रयोग। और इसके साथ साथ इस पाठ का एक प्रश्न, हमारा नेता, नेता के धर्म विमुख होने पर क्या हो जाता है, धर्म विमुख होने पर सारा संसार में क्या होता है बेटा, दुख हो जाता है। पर राज दुख को क्यों प्राप्त हो, राज्य को दुख क्यों प्राप्त होता है, सबको समझ में आ गया ये? तो आप सभी को इसका उत्तर अपने शब्दों में लिख कर लाना है। ठीक है, ठीक है कक्षा, आज के लिए इतना ही। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आप भी अपना जीवन अच्छे से क्या करोगे, बिताओगे, व्यतीत करोगे। ठीक है, आज के लिए।